शल्य चिकित्सा क्षेत्र में लोगों को मानसिक तौर पर सशक्त बनाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जटिल बीमारियों से निपटने के लिए खरगोन जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। हम आपको बता दें कि मधुमेह, कैंसर सहित अनेक समस्याओं को शल्य चिकित्सा के माध्यम से दूर करने के लिए नरेंद्र गुप्ता ने कार्यशाला आयोजित की, जिसमें मीडिया के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। इस दौरान नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि आत्मसंयम और एकाग्रता के बल पर किसी भी असंभव बीमारी का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की दहशत से डरकर अनगिनत मौतें हुई हैं, जिसे उन्होंने आत्मसंयमता की कमी बताया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आदमी को जीने नहीं देंगे, इसलिए मैं जब चावला आदरणीय चावला साहब बैठे हैं, उन्होंने मुझे बहुत पहले डेढ़ साल पहले बोला, उनको विश्वास था मेरे पर, चलो मैं कलेक्टर से आगे बोलता हूँ, आपको मिलवा देता हूँ, तो ये हम लोग करते हैं। मैंने बोला सर आप बिल्कुल भी प्रयत्न मत करिए, मैं आप है मुझे वहाँ वाला काम हो जाए। रामदेव बाबा करोड़ों का आप आँखें बंद करके रखेंगे, आँखें नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी। देखिए आपके लेफ्ट साइड के हाथ में, लेफ्ट हाथ में आपकी हवेली में मैग्नेट फॉर्म हो रहा है, एक में दक्षिण ध्रुव हो रहा है, राइट साइड में आपका उत्तर ध्रुव क्रिएट हो रहा है, दोनों हाथों में मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, दोनों हाथ एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, दोनों हाथ आपके एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, लगातार आपके हाथ एकदम पास में आते जाएंगे, दोनों मैग्नेट हो गए हैं, दोनों हाथ आपके एक दूसरे के साथ खिंचा रहे हैं, आप रुकते हैं कभी नहीं कि रुके हैं, दोनों हाथ मिल रहे हैं, दोनों हाथ आपके नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, आप आंखें बंद करके देखिए आपके हाथ अपने आप धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, आपके हाथ एकदम नजदीक आ चुके हैं, आपके दोनों हाथ एकदम मिल जाएंगे। जब तक वो धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं दोनों हाथ, जब तक अगर आपने आंखें खोली तो हाथ इकट्ठे नहीं होंगे। अब जिनके जिनके हाथ इकट्ठे हो गए वो लोग धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ऐसा होता है और मैं किसी कहते का विरोध नहीं करता, न तो मुझे रामदेव बाबा बनना है और ना ही मुझे राजू विकसित करना है, उनके हस्त आप जानते हैं, सरकार अपने भी काम करती है। मेरा काम यह है कि किसी का विरोध किए बगैर, क्योंकि आपको जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो आपको एलोपैथी की जरूरत पड़ती है, किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन हमको बगैर दवाई के, बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी साइड इफेक्ट। मैं 5 मिनट में ही आपको पहले देखिए, किसी इंसान को अगर गुड़ कैसा होता है, वो गुड़ कैसा होता है, गुड़ ऐसा बनता है, गुड़ वैसा होता है, मिलाकर एक घंटे से भी समझा, अगर उसकी जगह पर उनको गुड़ की गली खिला दे तो उनको 100% तुरंत समझ में आ जाएगा गुड़ ऐसा होता है। तो मेरे पास अभी आपको एक प्रैक्टिकल कराने का काम देता था, अगर आप उसके बाद में ऐसा लगेगा आपको तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, कहाँ किस लेवल से हो रहा है, मुझे इस समय इस यहाँ से उन चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं, इतने बड़े बड़े देश हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनकी बहुत सारी जासूसी संस्थाएँ हैं, क्यों तपास नहीं कर पाई। दो सोच है, एक तो यहाँ की पब्लिक को कुछ मालूम नहीं है नेचुरोपैथी क्या है, और इसके लिए उनको वो जागरूकता आए, नेचुरोपैथी का अवेयरनेस हो उनको, तो इसके लिए मैंने ये प्रयास किया है। और दूसरी बात, जो हम लोगों को बिना वजह के जो भय फैलाए जाते हैं कि जिनकी जिसका कोई उद्देश्य ऐसा होता है, उनको लंबे उद्देश्य भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम भयभीत होकर जो बीमार पड़ गए भय के कारण और दवाइयों के ओवरडोज के कारण ज़्यादा मौतें अब ना हो, अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन हमारी अब उसके बाद में जितने भी हमारे ज़िले में कैजुअलिटीज़ डर के मारे ना हो, ऐसा मेरा एक प्रयास है जिसमें मुझे आप सभी पत्रकार मित्रों का सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके बगैर ये सारी बातें बाहर मार्केट में या किसी पब्लिक के बीच में नहीं जा सकती। तो मेरा ये प्रयास है खाली, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस हो और लोग समझें और वो बेचारे बिना वजह की दवाइयाँ से बचे और स्वस्थ हो जाए। ये कोरोना के लिए कोई भी आपने बताया कि एक लोगों में डर भरा गया था, क्या कोरोना सही था क्या था? देखिए सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है, मेरी मान्यता ये है कि ये भय का साम्राज्य फैलाया गया, कोरोना एकदम सिंपल वायरस है जो बहुत आसानी से मिट सकता था, लेकिन उसको बड़े पैमाने पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रचारित किया गया और उसके कारण कई लोगों की बिना वजह की निर्दोष लोगों की हजारों निर्दोष लोग मैं समझता हूँ लाखों निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई है, उसके जो जवाबदार लोग हैं कुदरत उनको ज़रूर सजा देगी, मेरा 100% मेरा वायदा रहा है कुदरत की तरफ से, तो मेरा वायदा वो भी मानता है। अभी भी तीसरी लहर आ रही है, लोगों को गलत डरना चाहिए क्या? जी जी आप सही बोल रहे हैं, तीसरी लहर के नाम से फिर डराएंगे,
इसीलिए तो मैंने ये पत्रकारों को सम्मेलन करवाया ताकि मैं समाज के बीच रख सकूं कि किसी भी लहर से, किसी भी कोरोना नाम की चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, और इवन दैट कोरोना नहीं, किसी भी वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब वायरस का इलाज नहीं है एलोपैथी में, तो आप उसके पीछे एलोपैथी के डॉक्टर्स से क्यों इलाज ले रहे हैं और क्यों पीछे भाग रहे हैं? मैंने देखा है ना, मैंने आपको अभी बताया कि 75 ईयर्स एज वाला आदमी जिसके 70% लंग्स ख़राब हो चुके थे, वो 21 दिन में अपने घर पे अच्छा हो गया। ना उसको किसी तरीके की रेमडेसिविर लगे और ना उसको किसी तरीके, वो मुस्लिम था, वो नहीं डरा किसी भी चीज़ से, वो बच गया। हिंदू सबसे ज़्यादा डर रहे हैं। देखिए, मैं जो बाल बोलने दीजिए, क्योंकि हिंदू लोग डर रहे हैं बहुत, मोदी जी को बहुत मानते हैं, और उसका परिणाम ये आ रहा है कि वो बेचारे डर के मारे मर रहे हैं। जो नहीं डरते मोदी जी से, वो नहीं मरते, ये फैक्ट है, और इसको पब्लिक को भी मानना पड़ेगा और मोदी जी को भी मानना पड़ेगा। अरे आप डरेंगे नहीं तो आपको वायरस की इफेक्ट क्यों आएगी? रेजिस्टेंस पावर आपका मेंटेन करिए बॉडी को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।